नमस्कार, दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। काम ना करे वाला कर्मचारी के कार्रवाई खातिर कानूनी व्यवस्था करला सांसद सब के मांग। कार्रवाई ना भइला से ही देश भ्रष्टाचार के दलदल में फसल टिप्पणी। भारत से पाइपलाइन मार्फत नेपाल में तेल आवे लागल। परीक्षण खातिर भेजाओल 1800 लीटर डीजल अमलेहगंज डिपो में। बाढ़ आ भूस्खलन के कारण मकवानपुर में सबसे बेसी महिला आ लैका लैकी प्रभावित। राहत ना मिलल पीड़ित की शिकायत। अमेरिकी जलसेना से ईरानी ड्रोन गिरावल। राष्ट्रपति ट्रंप के दावी, घटना के बारे में जानकारी ना भइल ईरान के स्पष्टीकरण। आ अफ्रीका कप खातिर सेनेगल आ अल्जीरिया भिड़ रहल। दोनों टीम उपाधि अपन कब्जा में करे के दाव में। अब पूरा समाचार। सेवाग्राही के काम में लेट करे वाला कर्मचारी के कड़ा कार्रवाई करला कानूनी व्यवस्था बनावे के सांसद सब सरकार से मांग कैले बा। प्रतिनिधि सभा के सांसद सब सेवाग्राही के काम में लेट करे वाला कर्मचारी के कड़ा कार्रवाई होखे वाला कानून व्यवस्था करला सरकार से मांग कैलख। आज संघीय संसद के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बैठक में संघीय निजामती सेवा के गठन संचालन आ सेवा के शर्त संबंध में व्यवस्था करला बनल विधेयक ऊपर के छलफल में समय में काम ना करवला कर्मचारी के दंड सजाए के व्यवस्था करला कहले बाटल। सेवाग्राही सब से बीतल दिन से ज्यादा समस्या बेहोरे के परल कहत सांसद सब सरकार के सचेत करौले बा। सेवाग्राहीहरुलाई काम विलम्ब गर्यो, ढिलो गरे, गर्नुपर्ने कुराहरु झुकायो, झुलायो लगायतका अनि गर्नुपर्ने जिप उसको दायित्व जिम्मेवारी कर्तव्य हो त्यो पुरा नगर्दाखेरि उसले हुने का उसलाई कारवाहीहरू अथवा त्यसप्रति उसले छिटो छरिटो गर्नका लागि हामीले यहाँ के अरे यो आचरणभित्र राख्नुपर्ने, पालना गर्नुपर्ने, उसको कर्तव्यभित्र राख्नुपर्ने चिजहरू यो म कहीँ पनि समेटेको देखिरहेको छैन। अरू थुप्रै अरू चिजहरू पनि छन्। बैठकमै सेवाग्राही के काम समयमै नाकैला पर ओकर क्षतिपूर्ति सम्बन्धित कर्मचारी से असुल करे के कानूनी व्यवस्था करला सरकार से ध्यानाकर्षण कराओ गेल। समयभित्र काम गर्ने र उसले उसका गएका फाइलहरूलाई एउटा निश्चित अवधि तोकिनु पर्यो। जुन फाइल आयो यदि टेबलमा कसै गएछ भने उसलाई कति उपयुक्त हुन्छ, 24 घन्टाभित्र उसले फाइलमा कुनै डिसिसन दिने हुने या नहुने काम उसले त निर्णय गर्नु पर्यो नि। महिनौ महिनौ झुल्ल्याएर अनि मोटो रकम लिएपछि अनि त्यो रकमलाई सेयरिङ गर्दै माथिदेखि तलसम्म पुऱ्याएपछि अनि बल्ल काम यदि हुन्छ भने अनि कहाँबाट सेवाग्राहीले काम पाउँछन्। कर्मचारी सबके आपन दायित्व पूरा न कैल पर कार्रवाई करे के कानूनी व्यवस्था ना भइला के कारण ही देश भ्रष्टाचार के दलदल में फसल सांसद लोग के तर्क रहे। नेपाल भारत क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन मार्फत भारत के मोतिहारी से नेपाल के अमलेहगंज तक पहिलका बेर पठाओल डीजल कालू राति नेपाल आ पहुँचल बा। भारत के मोतिहारी से नेपाल के अमलेहगंज तक 69.2 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन में पहिलका बेर परीक्षण खातिर पठाओल 1000 लीटर डीजल अमलेहगंज डिपो में पहुँचल है। अमलेहगंज डिपो प्रमुख प्रदीप यादव पानी के सफल परीक्षण के बाद पहिलका बेर पाइपलाइन में डीजल पठावल बताने। विफे के सवेरे मोतिहारी से पंपिंग कैल 1000 लीटर डीजल के अगिल का भाग में पानी भरला से आज ओकर प्रशोधन करके पानी या तेल छुटियावल जाए। एकरा खातिर अमलेहगंज डिपो में 4 गो टैंकी तैयारी अवस्था में रहल बा। पाइपलाइन से भंडारण टैंकी तक तेल ले जाएला भी पाइपलाइन के ही प्रयोग होखे किया। एकर जड़ान पूरा हो चुकल परियोजना प्रमुख यादव बताने। पाइपलाइन से तत्काल प्रति घंटा 2 लाख लीटर डीजल आयात कर सके के प्रमुख यादव के कहना बा। 2072 साल के भूकंप से भस्कल ऐतिहासिक धरहरा पुनर्निर्माण के तीव्रता मिलल बा। निर्माण के 17 दशमलव काम ओराइल धरहरा अब के 15 महीना में पुरनके कला कौशल में देख सके के बताओल गेल बा। 30 सितंबर 2018 में निर्माण कंपनी JIETC रमन जेवी के साथ समझौता बाद 5 अक्टूबर में भूकंप से भस्कावल ऐतिहासिक धरहरा पुनर्निर्माण शुरू कल गेल बा। धरहरा निर्माण में 2400 घंटा जनशक्ति परिचालन कल गेल बा।
नौ महीना में धरहरा निर्माण के 17% काम ओराइल बा समझौता के 2 बरिस में धरहरा टावर निर्माण ओराय के योजना बाटे। यो काम गर्दा चाहिँ हामीले सरकारसँग 48 करोड बराबर चाहिँ पैसा लिइसकेका छौँ बिल बराबरको। आइपिसी हाम्रो रनिङ बिल 7 सम्म गइसकेका छ र त्यो उसको एमाउन्टलाई हेर्दा चाहिँ हाम्रो 3 अर्ब 8 करोडको ब्याड भएको हाम्रो एमाउन्ट चाहिँ हाम्रो टोटल प्रोजेक्ट एमाउन्ट हो। त्यसमा चाहिँ लगभग 16-17% चाहिँ हाम्रो कम सिधिसकेका छ। जर्मन प्रविधिमै गुणस्तरीय निर्माण सामग्री रखके निर्माण शुरू कैल गेल बतावल गेल बा। धरहरा निर्माणमे स्थानीय व्यापारिक मार्गमे कठिनाई अयला बाद वैकल्पिक मार्ग तैयार करत स्थानीय लोकके माग सम्बोधन करके निर्माणके गति देहल गेल बा। हामीले हिसाब गर्दा 5600 जति मान्छे दैनिक आउँछन् स्थानीय हाम्रो देशबाट वा बाहिरको पनि केही टुरिस्टहरू हाम्रो ल्याउने यसमा सोच छ। यत्रो मान्छे आउने भएपछि यसको वरपर नै एउटा नयाँ किसिमले विकास हुँदैछ। यसको परिसर जुन यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ जस्तो पाए त्यस्तै किसिमको घर अब त्यो देखिँदैन। यसमा नेपाली मौलिकता झल्किने किसिमको आर्किटेक्चर यसमा विकास हुँदैछ। निर्माण के बाद 22 तल्ला के धरहरा बाहर से देखला पर 11 तल्ला के स्वरूप में दिखाई पड़ी। 42.5 रोपनी में फैलल धरहरा परिसर में टावर बेसमेंट 3 तल्ला के बेसमेंट पार्किंग रेस्टोरेंट सब सिक्का छापे वाला म्यूजियम ब्लॉक पुरान धरहरा एवं सुंधारा के पुरन के स्वरूप में दिखावे के योजना भी बाटे। हरिशरण न्यूपानी के रिपोर्ट। प्राविधिक तथा व्यवहारिक ज्ञान देवेला स्थापना भइल सिटीबीटी में पर्याप्त दक्ष शिक्षक के कमी भइल बा। विस्तार कैल गइल शिक्षालय सब में भी प्रशिक्षक के कमी के कारण प्रभावकारी रूप में संचालन होखे नहीं सकल। प्राविधिक शिक्षा अपने आप में महंग शिक्षा है। लाखों खर्चा करके विद्यार्थी सब अध्ययन कर रहल बाटे लेकिन खर्चा कैल मुताबिक के प्रशिक्षण ना होखला से इस शिक्षा भी अन्य जैसन सामान्य बने में कोनो दू मत नहीं है। प्रशिक्षक के ही अभाव में भी प्राविधिक शिक्षालय की सेवा विस्तार करे तरफ लाग रहल बा सरोकार बाला सब। अहिले हामीले जति विस्तार गर्ने भन्यो विस्तार गर्दा गरे अनुसारको त्यसलाई प्रशिक्षण गर्ने शिक्षण गर्ने जनशक्तिको अभाव चाहिँ देखिएको छ। प्राविधिक शिक्षा आजकल विद्यार्थी के आकर्षण में पड़े लागल बा। विद्यार्थी सब कमाए वाला शिक्षा के ज्ञान असी बिना बाजार में बिके ना सकल जाए कहे वाला मालूम हो गेल बाटे उ लोग के। प्राविधिक शिक्षालय के जरूरत देश के भी भइल विज्ञ सब के कहना बा लेकिन राज्य द्वारा युवा जनशक्ति काहे आ काथी खातिर उत्पादन कर रहल बानिसन कहे तरफ ध्यान ना दिला बाद हर साल उत्पादन होके वाला शिक्षक बेरोजगार सब के संख्या बढ़ती जा रहल बा। 150,000 जनशक्ति में केहू के अलावा ज्यादातर के रोजगारी ना मिले के अवस्था हो सके के विज्ञ सब के कहनाम बाटे। इसको आवश्यकता अझ बढी महसुस पनि भएको छ तर समस्या के रह्यो भनेदेखि यसमा हामीले गर्न खोजेको के हो साच्चै राज्यले युवाहरूलाई प्राविधिक शिक्षा तथा यो व्यावसायिक तालिमतर्फ आकर्षण गर्न खोजेको हो भने त्यसको निमित्त चाहिँ 1, 2, 3, 4, 5 के कुन प्रक्रियाबाट हामी पुग्छौँ त्यो कुरामा चाहिँ राज्य चुकिरहेछ। सरकार अपना से कर रहल काम में स्पष्ट ना भइला बाद उत्पादन में एकरूपता ना अइला पर फेरो बेरोजगारी की समस्या सृजना हो सके के अवस्था बाटे। नम्रता बानिया के रिपोर्ट। वर्षा बाद आयल बाढ़ा भूस्खलन से मकवानपुर में सबसे बेसी महिला आ लैका लैके प्रभावित भइल बा। भूस्खलन के जोखिम में पड़ल मकवानपुर के भीमफेदी गांवपालिका वार्ड नंबर 5 दमार के 30 जने के सामुदायिक भवन में राखल गइल बा। 15 दिन के बच्चा बोक के शीला थिंग आ 20 दिन के बच्चा बोक के सुमित्रा गोमजा भी सामुदायिक भवन में आसरा ले रहल बा लोग। त्यस्तै समस्या छ ओर्ने ओछ्याउने पनि छैन। अब यस्तो उसमै लामुटे घारीमा सुन्नु परेको छ पानी पनि फोहोरै छ बिरामी भइरहेको छ सबैजना। अब दिनदेखि आलु र भात भन्दा अरू केही छैन। अब सुखीलाई अब त्यस्तो अब के भन्नु केही दिन भएको छैन। यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ अब अधिकांशलाई अब झाडापखाला बान्ता भएर अब समस्या भइरहेको छ। अब घाँटी दुख्ने समस्या अब 20 दिनको सुत्केरीहरू पनि यहाँ हामीसँगै छ। अब गाउँपालिकालाई अब अन्डाहरू चाहियो अब नास्ताहरू पोषक अलिकति पोसिलो खानाहरू चाहियो सुत्केरी आमाहरूलाई भन्दाखेरि उहाँहरूले अब यस्तो अन्डा सन्डा गाउँपालिकाले दिने गरेका छैन भनेर भनिदिनु भएको छ। भीमफेदी गाउँपालिकासँगै मकवानपुरकै उत्तरी क्षेत्रकै
कोगटे इपा भीमफेदी दमार सुपिंग जामिरिया जोड़ी खेत में समेत सड़क भूस्खलन में पड़ल बा। भूस्खलन के जोखिम में रहल 26 घर के 92 जने उदार करके विभिन्न ठाव से लिया के आश्रय दिहल भीमफेदी गांव पालिका के कहना बा। ठूलो वर्षा भएको स्थानीयहरुको भनाई छ 59 सालमा पनि त्यो ठाउँको धेरै घरहरु र जमिनहरु त्यो नदीले बगाएको थियो, पहिरोको जोखिममा परेको थियो। अब सामान्य रोकथामले मात्रै त्यो बस्ती सधैँको लागि दीर्घकालीन रूपमा हामीले संरक्षण गरेर सम्भव देखिँदैन। त्यो कारणले यो गाउँपालिकाको तर्फबाट प्रदेश सरकार संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर उहाँहरूलाई बस्ती स्थानान्तरण नै गर्नुपर्छ। बर्खावाद आइल बाढ़ भूस्खलन के कारण प्रभावित भइल स्थानीय सबके अभी भी राहत नइखे मिलल। तराई के जिला में आयल बाढ़ के कारण सप्तरी के कृषक सब से लगाओल गई 2,24,00,000 मूल्य बराबर के धान बाली नष्ट भइल बा। बाढ़ से 3,200 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगाओल धान बाली नष्ट भइल हा। बाढ़ के कारण धान रोपल खेत सब में बालू जमा भइल बा। चारो भर से पानी दाबने रोप तोप जे रोपने रे सब गल गए बिया बल सब नष्ट भ। जीविकोपार्जन करे के आधार धान बाली ही भइला से बाली नष्ट भइला बाद परिवार चिंता से सता रहल किसान सब के कहना बा। बाढ़ पीड़ित किसान सब समस्या समाधान करला सरकार से मांग कैले बा। अखन की खबर से नहीं से खाए गुपे किसान जे छे हम सब तो अखन जे छे ना अखन जे हमर धिया पुता की खबर से उपाय नहीं छे। आ आई 9 दिन से 9-10 दिन से एकदम घरेर पानी छे। घर में जे पानी देखो अपने तो अपने के नहीं रहल जात अपने डांड से पैसा खींच के कभी जा धियापुता खुआबोगे तत्ते तक में पहुँचल छी हमसब। सप्तरी में 70,000 हेक्टेयर खेती योग्य जमीन में प्राय धान बाली ही लगावल जाला। कृषक के मेन खाद्यान्न बाली के ही बाढ़ से दहवा देहला बाद ई बरस भुखमरी होके के कहत पीड़ित कृषक सब चिंतित भइल बा। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचार के साथ में एलआईसी एशिया बैंक को चमत्कारी खाता आज गए आफ्नो पूरे परिवार को खाता खोली हालौ। नेपाल को नंबर 1 पीपीआर पाइप नेपाल टॉप सब ठीक ठाक। ताप्लेजुंग के मुंगवा खोला गाउँपालिका सांगु में रहल कोल डाड़ा रमिते डुंगा सामुदायिक होमस्टे में पर्यटक सबके आकर्षण बढ़ते जा रहल बा। गुरास के राजधानी मानल जाए वाला तीन जुरे मिलके जलजले नदी के स्थानीय 22 घर परिवार होमस्टे संचालन कर रहल बा। मदन भंडारी राजमार्ग होकत गुरास के राजधानी तीन जुरे मिलके जलजले आवत जावत करे वाला पर्यटक से लेके विभिन्न कार्यक्रम खातिर पुगल लोग प्राय ओहो होमस्टे में ना पुगे के कोनो सवाल नहीं खे। होमस्टे भन्ने त एउटा होटल व्यवसाय लाइन जस्तो हुन्छ नि, तर त्यस्तोमा छैन क्या। हामी घर परेर जस्तोमा बसिरहेको छौँ। राम्रो छ, आशा छ, अब सबै यहीँको अर्ग्यानिक चिज लोकल चिज खान पाइएको छ, व्यवस्थित तरिकाले बस्नु पाएको छ, खुसी छौँ हामी सबै। चामल पनि अर्ग्यानिक खाइरहेको छु, अब लिउरोहरू छ, तरकारी पनि अर्ग्यानिक छ, दाल पनि अर्ग्यानिक, सबै कुरो अर्ग्यानिक छ। अचारहरू चट्नीहरू 3-4 थरी खान पाएको छ, सबै अर्ग्यानिक छ, राम्रो छ। यसलाई चाहिँ अझै चाहिँ व्यवस्थित नै छ, अझै व्यवस्थित गर्दै लग्यो भने यहाँ सम्भावना चाहिँ राम्रो देखे, स्वागत सत्कार राम्रो भयो। होमस्टेमै घर आइसी वातावरणमै ही लिम्बू समुदायकै परम्परागत खाना याङबेङ तुङ्बा सुकुटी लोकल मुर्गाके मास तितेला लगायतके व्यञ्जन खाएके मिलेला। आउने याङबेन भनौँ याङबेन तुङ्बा अनि प्लस यो कुखुराको एउटा तिते हुन्छ नि लिम्बू भाषाबाट अमियुक भन्छ, हौ उहाँहरूलाई त्यही टेस्ट दिइराखेको छु मैले। अब भोलि चाहिँ यो याङबेनको टेस्ट दिनुको लागि रेडी गरिरहेको छु, उहाँहरूले चाहिँ कहिले खानु भएको छैन रे। मेहमानके स्वागत खातिर होमस्टेमै धान नाचा च्याङ्ब्रु नाचकै भी देखावल जाला। होमस्टे सञ्चालन खातिर तिनजुरे मिलके जलजलेमै संरक्षण क्षेत्र WWFK सहयोगमै हिमाली संरक्षण मञ्च काम गर रहल बा। विभिन्न तालिमहरू पनि दिइसकेका छौँ र यो होमस्टेमा जुन कुकिङको तालिमहरूदेखि लिएर सेनिटेसनको कुराहरू पनि हामीले चाहिँ तालिमको चाहिँ आयोजना गरेर प्रदान गरिसकेको अवस्थाहरू छ।
होमस्टे दीर्घकालीन प्रवर्धन खातिर स्थानीय सरकार भी रुचि देखाउले बा। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी जलसेना ईरानी ड्रोन गिरावल दावी कैले बढ़न। राष्ट्रपति ट्रम्प अमेरिकी जलसेना अपन पानी जहाज के रक्षा करेला स्ट्रेट ऑफ हर्मुज में ईरानी ड्रोन गिरावल बतौले बढ़न। लेकिन ईरान अपन ड्रोन संपर्क विहीन भइल बारे कौनो जानकारी ना रहल जनौले बा। बीतल जून में ईरान अमेरिकी जासूस ड्रोन विमान गिरावले रहे। इससे पहले ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड से खाड़ी में तेल तस्करी कैल आरोप में विदेशी तेल टैंकर आ 12 जने चालक दल के सदस्य कब्जा में लेले रहे। 10 लाख लीटर तेल तस्करी कैल आरोप में स्ट्रेट ऑफ हर्मुज में रहल लाराक टापू के दक्षिणी में टैंकर कब्जा में लेले बाटे। लेकिन उ टैंकर कौन देश के हा उ बात नहीं जनावल गई। अब खेलकूद समाचार। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के फाइनल खेल में आज सेनेगल आ अल्जीरिया भिड़ रहा बा। इस खेल के विश्व फुटबॉल के चर्चित दुगो स्टार साडियो मानिया रियाज मेहरेज के भिड़ंत के रूप में देखल जा रहा बा। प्रीमियर लीग में अपन क्लब के उच्च सफलता दिलावल दोनों खिलाड़ी कायरो में होखे वाला महादेशीय फुटबॉल के फाइनल में अपन देश के चैंपियन बनावेला तैयारी अवस्था में बा। दोनों खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में 3-3 गोल कैले बा। सेमीफाइनल में मेहरेज से इंजुरी समय में गोल कैला के कारण अल्जीरिया विजय भइल रहे। सन 2002 में उपविजेता बनल सेनेगल अभी तक उपाधि जीते नहीं सकल। अल्जीरिया सन 1990 में उपाधि जीतले रहे। भोजपुरी समाचार के अंत में प्रमुख समाचार एक बेर फेरू। काम ना करे वाला कर्मचारी के कार्रवाई खातिर कानूनी व्यवस्था करला सांसद सबके मांग। कार्रवाई ना भइला से ही देश भ्रष्टाचार के दलदल में फसल टिप्पणी। भारत से पाइपलाइन मार्फत नेपाल में तेल आवे लागल। परीक्षण खातिर भेजाओल 1000 लीटर डीजल अम्लेगंज डिपो में। बाढ़ आ भूस्खलन के कारण मकवानपुर में सबसे बेसी महिला आ लैका लैकी प्रभावित। राहत ना मिलल पीड़ित के शिकायत। अमेरिकी जलसेना से ईरानी ड्रोन गिरावल राष्ट्रपति ट्रंप के दावी। घटना के बारे में जानकारी ना भइल ईरान के स्पष्टोक्ति। आ अफ्रीका कप खातिर सेनेगल अल्जीरिया भिड़ रहल। दोनों टीम उपाधि अपन कब्जा में करे के दावे। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब ट्विटर फेसबुक आ हमने के वेबसाइट jantasamachar.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।